में जाके देख सकते हो या फिर अगर आपको टैग प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक शॉप का ऑप्शन दिखेगा उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी आपको दिख जाएंगी सनस्क्रीन से लेकर मेरी लिपस्टिक कॉम्बो तक

फर्स्ट आई लिस्ट ऑल द पॉइंट्स दैट आई लाइक अबाउट दिस सनस्क्रीन पहली चीज ये बजट फ्रेंडली है एंड टीन uh, के लिए परफेक्ट है अगर आप बिगनर हो आपको कुछ ऐसा यू नो ट्राई करना है स्किन केयर में देन ये परफेक्ट है इसका जो प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है यूवी यूवी से आप, UV rays से आपको आपको रेज बचाता है आपकी स्किन को पोल्यूशन से भी बचाता है पोल्यूशन का मैं पक्का नहीं कह सकती क्योंकि हर सिटी में अलग अलग तरीके से आप जज करोगे लेकिन हाँ यूवी रेज से आपको बचाता है दो घंटे बाद जब आप अपना सपोज यहाँ आपने लगाया नहीं लगाया तो आप डिफरेंस महसूस कर सकते हो दीज आर दीजर थिंग्स लाइक अबाउट इट नाउ लाइक अबाउट दिस सनस्क्रीन फर्स्ट इज इसका जो वाइट कास्ट है वो बहुत इंसेन है मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूं ये मैंने लगाया ये तो मैंने मतलब वो अमाउंट लगाया है जो कि फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है ना आप डिफरेंस देखो कितना ज्यादा वाइट कास्ट है और फेस पे अगर आपके पिगमेंटेशन है तो भाई ये बहुत ही मतलब वाइट कास्ट फेस पे बहुत गंदा लगता है तो वो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सेकंड आप इसको रीअप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने रीअप्लाई किया तो इसका वाइट कास्ट जो है डबल हो जाएगा ना आपकी स्किन और बुरी लगेगी सेकंड स्लाइट वेट ये ऐसा कह रहा है बल्कि ऐसा नहीं है आप स्किन पे इसको लगाओगे ना यू कैन यार अभी आप देखो मुझे ना ऐसा बहुत ही अजीब लगता है इसको स्किन पे लगाने के बाद हैज वेरी ऑड स्मेल जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लगाने के बाद ना सब फील होता है कि आप पता क्या हैवी सा स्किन के ऊपर लगा हुआ है एंड ये जो कह रहा है मॉइस्चर मॉइस्चरबेस्ड फॉर्मला ये तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी स्किन ड्राई और मेरी स्किन को ये और

The points now.

अगर आप ये देखोगे पहली बात तो के लिए रख दिया, और उसके बाद आप इसको तो ये जेल बहुत ही एंड ऑयली लगता है फेस पे बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट तो आप देख ही सकते हो तो देखो व्हाइट कास्ट तो हर सनस्क्रीन में है, कुछ में नहीं भी है वो भी है मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगी बट इसका व्हाइट कास्ट तो जिसकी ऑयली स्किन है ना भाई वो इसको थोड़ा सा संभल के इस्तेमाल करें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप बहुत दिन तक रख दो तो एक ऑयल निकलता है तो लिटरली बहुत ऑयली है आपकी स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 800 से 900 के बीच की रेंज का है और भाई 800 से 900 की रेंज में ये बहुत मतलब इतना कोई वर्थ नहीं है इसका इससे अच्छा तो फिर मैं लाशील पे ही चली जाऊंगी अगर मेरा 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 ऑयली स्किन है तो मैं फिर उस पर जाऊंगी हाँ ड्राई स्किन वाले पे आप कर सकते हो लेकिन अब मेरी ड्राई स्किन है फिर भी मैंने इसको लगाया मेरी स्किन इतनी ऑयली हो गई तो मैं भी एक बार को सोचूंगी सो इट्स इट्स लाइक अ अगर आप सिटाफिल के बहुत बड़े दीवाने यू थिंक नहीं, नहीं नहीं सटा सिटाफिल इज द सेफ तो आप इस, इस पर जाओ इट इज सेफ नो डाउट क्लेम्स जो हैं वो 50 50 ही इसके सही लगे मुझे पूरे सही नहीं लगे वाइट कास्ट अभी भी आप देख सकते हो तो और ये जो कह रहा है कि वाटर रेजिस्टेंट ये तो नहीं है वाटर रेजिस्टेंट ये नहीं है अः uh, मतलब एक दो बूंद तक ही बर्दाश्त करता है बट फिर वो ना वाइट वाइट निकलना शुरू हो जाता है लिटरली मैं पानी पीती तो मतलब यहाँ से वो पूरा निकलना चालू हो जाता है तो वो चीज भी, भी बिल्कुल भी सही नहीं है कमिंग टू अनादर सनस्क्रीन पर इसका जो पैकेजिंग है इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे अलग है दिस इज न्यूट्रोजीना बीच डिफेंस सनस्क्रीन स्टिक जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रांड अच्छा ठीक है तो पहली बात uh, तो ऑफकोर्स इज अ वेरी नाइस ब्रांड इसके सिरम्स बहुत फेमस हो रहे हैं इसके मॉइस्राज भी बहुत अच्छे आते हैं बट अगर मैं इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन की बात करूँ uh, तो पहली चीज तो मुझे क्या इसका अच्छा लगता है इस

है है तो तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन इसका अच्छा है ही एंड हैर्मोटोलॉजिस्ट uh, इसको रेकमेंड करते हैं ये बात भी सही है मैं कई डर्मोटोलॉजिस्ट के पास गई जिन्होंने मुझे ये ब्रांड रेकमेंड किया नॉट दिस सनस्क्रीन बट दिस ब्रांड नाउ वट आई डोंट लक लाइक अबाउट दिस सनस्क्रीन इज इट मेक्स योर फेस वेरी ऑयली जैसे यहाँ पर आप मेरा हाथ भी देख सकते हो इन दोनों में फर्क कितना ज्यादा ऑयली बना दिया इसने मेरे हाथ को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ना एब्जॉर्ब भी नहीं होता है मतलब इट स्टेज योर एंड इसकी एक बहुत ही ज्यादा पंजिन स्मेल है अगर किसी को स्मेल पसंद नहीं है तो ये तो आपके लिए नहीं है दूसरी चीज अः uh... मैं इसको ना जैसे मैंने अपने शॉर्ट में बोला था मैं अपने इसको हाथों पर और पैरों पे लगाना चाहिए स्मूद तो लगा है अब हाथ पैर आपको पता है सर्दियों का टाइम है बहुत ज्यादा फटते भी है और ड्राई भी होते हैं तो uh, उस हिसाब से भी बहुत अच्छी है सनस्क्रीन ऑल्सो इट्स वेरी गुड तो सनस्क्रीन वाला काम देखो ये बहुत अच्छा करती है बट हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जैसे ऑयली स्किन वालों ने अगर ये ले ली तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी प्राइस अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस अराउंड थाउजेंड समथिंग अगर आपको एक स्टिक सनस्क्रीन थाउजेंड में मिल रही है तो देखो इतना कोई आ, ये ज्यादा नहीं गया बजट क्योंकि इसका ये बहुत इजी टू अप्लाई मतलब आपने बस ऐसे किया ऐसे किया एंड लगा लिया सो so, हाँ आप जो प्राइस पे करो इट्स प्रिटी फेयर अगर किसी को यू नो इससे कम में जाना है तो फिर आपको नॉर्मल वाले आ, जो सनस्क्रीन आती मिनरल वाल, मिनरल वाली और ऐसे करके जो हम लगाते हैं उसी पे जाना पड़ेगा uh, मैंने और भी कोशिश की थी ऐसी सनस्क्रीन ढूंढने की बट इससे सस्ती मुझे मिली नहीं अगर आपको कोई मिलती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख देना मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगी बट हाँ फॉर योर लेग्स एंड फॉर योर हैंड्स एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी इट इज ग्रेट इट इज ग्रेट गाइज लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट सनस्क्रीन और ये भी मैंने पूरी खाली कर दी है मैंने और सूरज ने मिल खाली की है दिस इज बायो यूवी वी वॉटरी जेल एस पी एफ ओ 50 पी ए प्लस 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 एंड इसके अलावा इसमें पीछे सब कुछ ये पता नहीं Japanese कौन सी भाषा इसमें लिखा है इसके बारे में अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन अच्छा है आपकी स, जो स्किन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है धूप से लेकिन इसमें ज्यादा चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई पहली चीज इसका टेक्सचर को लो ऐसे लगाओ ऐसे एक बार आपने लिया ये लगाया ऐसे क्या ऐसे करोगे ना उतने में तो ये पहली बार सूख जाती है दूसरी चीज इतनी हैवी लगती है स्किन पे इट इट हैज वॉटरी जेल टेक्स्टर जो इसका है लेकिन ये बहुत अजीब तरीके से आपकी स्किन पे सिट करता है एंड उसके बाद में आप भाई इसका वाइट कास्ट मैं आपको दिखाती हूं अगर ये बची हुई होगी तो मैं आपको दिखा पाऊँ देखो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर है और इसका व्हाइट कॉस बहुत ही अजीब है बहुत ज्यादा अजीब और नीचे तो मैंने न्यूट्रोजीना वाली सनस्क्रीन लगाई हुई फिर भी फ्रॉम फ्रॉम ड्राई स्किन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और सूरज की तो ऑयली स्किन है फिर भी नो एक अजीब अजीब से जो ऐसा होता ना कि जैसे यहां से आपकी स्किन क्लियर है यहां पर वो वाइट कॉस अलग से दिख रहा है वो वाली चीज हुई है सो फॉर ऑयली एंड फॉर ड्राई मैंने दोनों में ट्राई किया जितनी सनस्क्रीन है ना मैंने सब में ट्राई की हुई मेरे पे और सूरज भी सूरज एज ऑयली स्किन आया है ड्राई स्किन तो मैं उसके बाद ही इसका ओपिनियन मैंने बनाया सनस्क्रीन सारी सनस्क्रीन की तरह ही काम करती है लेकिन At the end of the day, you have to understand that it suits your skin or not, or whether you like its, like its tex texture or not. Because, हर कोई मेकअप नहीं लगाता है अब uh, मैं मेकअप करती हूँ तो मैंने अपनी स्किन में नीचे सनस्क्रीन लगा रखी तो पता भी नहीं चलेगा उसका व्हाइट कास्ट लेकिन अगर आप नॉट मेकअप एंड आपको सिर्फ सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ तो अगर उसका व्हाइट कास्ट है तो वो बहुत गंदा लगता है फॉर ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज यू गेट दिसमच ऑफ सनस्क्रीन तो क्वांटिटी के हिसाब से तो पैसे ज्यादा नहीं है अगर आप ड्राई स्किन वाले हो एंड सामन हु जेल टेक्सचर्स दिस इज नॉट फॉर यू पूरी सनस्क्रीन में से सबसे वर्स्ट सनस्क्रीन गाइज जो मैंने यूज की हो या मैंने भाई मतलब कभी डिस्कवर की हो इज दिस वन दिस इज कॉस्मेटिकल्स चेर इट्स इट्स और टोमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट्रेन वाइटामिन सी पता नहीं क्या 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 ऑल स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग सेंसिटिव सनस्क्रीन नहीं इसका वाइट कास्ट मैं आपको एक मिनट दिखाती हूं मैंने इसको यूज किया और मुझे इतनी गंदी लगी कि मैं इसको दोबारा यूज भी नहीं कर पाई ये पूरी ऐसे की ऐसे है मैंने इसको बिल्कुल यूज नहीं किया बिकॉज इट इट वॉज बैड बैड लाइक रियली बैड ये देखो और अगेन इतना स्मेल एक तो बहुत गंदी है और अजीब सा स्टिकी टेक्सचर है एंड मतलब आपकी स्किन में मतलब अगर मैं इसको भी रखू ना

भी मुझे कोई पसंद नहीं आया मतलब इट डिड नॉट वर्क एट ऑल एट ऑल फॉर मी कोई बड़ी गंदी सनस्क्रीन दिखा दी अब मैं दिखाऊंगी सबसे अच्छी जो मेरी इनमें से मतलब फेवरेट्स है इसको मैं गिव दिस द फर्स्ट पोजिशन दिस इज वॉट इज ई सनस्क्रीन फिफ्टी 50 ए प्लस 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 और ये जितना टाइनी साइज है ना उससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने इंटेंशनली तो ये नहीं मंगवाई सो so, मैं मैं सिर्फ बजट वाली कवर करना चाहती थी. ये प्रीमियम ब्रांड और इसकी जो बड़ी सनस्क्रीन है वो और महंगी आती है बट uh, ये मेरे को ना ऐसे uh, freebies में आया था और मैंने इसको ट्राई किया भाई दिस इज is... मतलब बहुत होली ग्रेल मैं कहूंगी स्किन में अच्छे से होती है चाहे मेरी स्किन हो चाहे सूरज की स्किन हो चाहे ओर सिस्टर की स्किन स्किन हो ड्राई है है सूरज की है, की ऑयली मेरी सिस्टर सेंसिटिव है सबको इतनी अच्छी लगी है ये सनस्क्रीन इतना प्यारा यू you नो know, उसका टेक्सचर है इतना अच्छे से सेट हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है सनस्क्रीन का मतलब आप निकल लगाकर निकलो बाहर दो घंटे बाद में आपको आपके फेस पे पहली बात तो टैन नहीं होता है मतलब अगर जितना ऑफ़ बिना सनस्क्रीन के निकलोगे और सनस्क्रीन लगाने के बाद तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपने आपको लगेगा ये मैं कह सकती हूं फॉर ऑल स्किन टाइप्स इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट इज आई रियली रियली लव इट गाइज मतलब एकदम जैसे मॉइस्चराइजर हमारे फेस पे लगाते हैं दैट टू वेरी लाइट मतलब ना, वाटरी सनस्क्रीन लिटरली बहुत ही लाइट और लाइट हर स्किन टाइप के लिए तो मतलब परफेक्ट है लगता नहीं स्किन पे बहुत ज्यादा कुछ लगाया है कोई भयंकर पॉजेंट स्मेल नहीं है बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा प्राइज है इसका बड़ा पैक थोड़ा सा आपको ही पड़ेगा बट दिस इज रियली रियली नाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है इसी में एक और है जो थोड़ी बजट फ्रेंडली है दिस इज लैकमी सन सन एक्सपर्ट ब्लॉक्स अपट 95 परसेंट यूवीबी बी रेज एसपीएफ 50 प्लस 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 अल्ट्रा मैट लोशन लाइट नॉन स्टिकी टाइप्स एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नाउ दिस हैज अ वेरी अगेन पहले मैं आपको बताऊंगी मुझे इसके पसंद है, इसका बहुत अच्छा है स्किन पे लाइट है एंड हमारी वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो गई थी course, थी तो हमने उसके बाद ना जब मैंने इसका टेक्स्टर इसका टेक्स्टर मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है बट हाँ इसका थोड़ा सा वाइट का ज्यादा है मैं आपको एक बार अभी दिखा देती हूँ अपना हाथ क्लीन कर रही थी हल्का सा लनेज के कंपैरिजन लनेज का तो जीरो है लनेज का बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं मैंने बोला जैसा मॉस्चराज मॉस्चराइजर लगाते हो बिल्कुल वैसा ही है इसका उससे थोड़ा सा ज्यादा है बट इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है वेरी क्रीमी वेरी नाइस देखो दिखाती तो हूं

मुझे इसके बारे में पसंद नहीं आ गया है तो वाइट कास्ट वाली चीज है थोड़ा सा वाइट कास्ट आता ही है इसमें ड्राई स्किन के लिए कभी-कभी थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा जैसा बहुत एक्सट्रीम जब सर्दी होगी ना तो ये हल्का सा ड्राइंग हो सकता है बाकी अभी तक तो मुझे ज्यादा ड्राइंग नहीं लगा सो आई रियली रियली लाइक इट एंड प्रोटेक्शन भी बहुत, बहुत 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 अच्छा है तो मैंने आज ऑलमोस्ट कितनी 1 2 3 4 5 6 7 सात सन छः से सात सनस्क्रीन के आसपास मैंने आ, आपको बता दी है एंड दीज वर ऑल दो सनस्क्रीन जो आपने खुद मुझे बोली थी यूज़ करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ इसकी स्टोरी डालती हूँ जब भी कोई नई ना स्क्री, स्क्रीन नई सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं लोगों से खुद पूछती हूँ वट विच एवर सनस्क्रीन नाउ यू वन मी टू यूज़ प्लीज यू नो टेक्सट मी और डी एम मी एंड आप लोग मुझे बताते हो तो ये आज जो सनस्क्रीन थी इसमें से अगर मैं रैंक करने पर आऊँ तो सबसे पहले लनेश सेकेंड मेरे लिए लैक में है थर्ड मैं कहूँगी मेरे लिए सेटाफिल है फोर्थ मेरे लिए लाशील्ड है फिफ्थ

बट प्लीज मत लेना मैंने भी किसी के कहने पे लिया था बट मैं अब आज के बाद कभी इसको रिपर्चेज नहीं कर देखो मैंने वो ओपिनियन मैं जितना बेस्ट हो पाया मैंने सबको यूज करवाने के बाद अपना ओपिनियन बनाया है uh, आप उसी अकॉर्डिंग अपना जो आपको सनस्क्रीन लेनी है वो आप चूज कर सकते हो बट उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं परफेक्ट फॉर मी और मैंने इसका कहीं सोचा है मैंने यूज किया है मुझे अच्छा लगा आप इट्स ऑल अपू यू दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आप मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताना की और आ, कौन सी सनस्क्रीन है जो आप चाहते हो मैं यूज करूँ आई ऑलरेडी हैव अ पार्ट टू रेडी मतलब और भी क्योंकि मैं मैंने बोलो ना सन्स्क्रीन की तो मतलब मेरे को वैसे बस है मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन और ऑर्डर की हुई है और भी मैं पड़ी मैंने यू मै कप से यूज करते आया मुझे उनका भी बनाना है सो so, या yeah, वो भी वीडियो जल्दी आएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताना ऐसे वीडियो और चाहिए आप आप मुझसे कोई पर्टिकुलर स्किन केयर के बारे में सीरम हुआ या टोनर हुआ वो आप चाहते हो ऐसी कोई सीरीज में बनाऊँ तो मैं एक प्रॉपर सीरीज बना दूंगी वेर एल बी